कंफ्यूजन, मडल्ड थॉट्स, तो ये सब चीजों से आपको छुटकारा मिल गया। मगर राहु है आपके 12वीं घर यानी पाइसिस में, मीन राशि में। तो ये जो है राहु का गोचर पाइसिस में यानी मीन राशि में जो है गुरु का स्थान, तो ये होता है राशिगत गुरु चांडाल जो आपके 12th हाउस में अभी लगा है। तो अगर देखा जाए, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और जो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो सडनली आपको बॉदर कर सकते हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। विदेश जाने का तो बहुत ही पक्का अपॉर्चुनिटी आएगा आपके लिए। तो जब हम ईयरली प्रेडिक्शंस करते हैं तो हम लंबे गोचर वाले प्लैनेट के बारे में बात करते हैं, यानी शनिदेव या गुरु। गुरु भी एक साल लेते हैं कम से कम घूमने के लिए, और 12 साल में एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। तो राहु केतु भी लेते हैं 18 साल, 18 इयर्स एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। और अगर देखा जाए तो राहु का जो ये मीन राशि में गोचर है, तो ये राहु का एक नया साइकिल शुरू करता है। तो नयनेस में आप तो माहिर है, क्योंकि आप है पहला राशि जो सबसे फ्रेश, नया और इनोवेटिव राशि है। तो अगर आप ये देखा जाए तो आपका जो असेंडेंट रूलर है यानी लग्न के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल। तो मंगल तो काफ़ी घूमते रहते हैं, उनका मूवमेंट 2.5 इयर्स में कंप्लीट होता है। तो जब हम गोचर देखते हैं लंबे प्लैनेट्स के, तो दृष्टि भी देखते हैं। तो देखिए, लंबा प्लैनेट में शनिदेव है आपके लाभ स्थान में यानी 11th हाउस जो है कुंभ राशि। तो ये शनि जब कुंभ राशि में बैठते हैं आपके 11th हाउस में, तो काफ़ी कुछ भाग्य से आपको काफ़ी कुछ लेसन्स मिलते हैं। हाँ, भाग्य थोड़ा डिप्रेस्ड होता है, मगर शनि देव आपको देखे जाते हैं। अगर आपके कुंडली में शनि का पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, यानी अगर केतु या मंगल या चंद्रमा या सूर्य से दृष्टित नहीं है कि उनके साथ कोई युति नहीं बनाई हुई है, तो आपका शनि स्ट्रॉन्ग है। तो शनि का अपने राशि में आना जो है आपका लाभ स्थान, तो लाभ तो आपको शनिदेव जरूर देंगे। मगर इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए तो शनि की दो दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि होती है उनकी थर्ड दृष्टि, और एक होती है उनकी टेंथ दृष्टि। अब सेवेंथ दृष्टि हर प्लैनेट की होती है, तो ये थर्ड और टेंथ दृष्टि से शनि अपने कुंभ राशि से मेष राशि और वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। दो ही मंगल का राशि है, तो इसमें कुछ उथल पुथल तो आएगा। और अगर आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, अस्त व्यस्त नहीं होते हैं और प्रॉपर डाइट करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको काफ़ी गेन्स मिलेंगे, क्योंकि 11th हाउस है ही गेन का जगह। और अगर देखा जाए जुपिटर यानी गुरु आपके ही लग्न में बैठे हुए हैं, और फाइनली गुरु चांडाल से मुक्त है, पाप कर्तरी योग से मुक्त है, और जैसे ही 2023 खत्म होगा गुरु सीधी चाल चलेंगे। अभी गुरु वक्री चाल में है यानी रेट्रोग्रेड है, और जैसे ही 2023 कंक्लूड होगा गुरु सीधे चाल में चलेंगे। और ये जो है ये मेष राशि में गुरु का सीधा चाल आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट लाएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट लाएगा। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा ईयर है, अपने जो लाभ वाले स्थान से गेन्स आप ले और अपने आप को बैलेंस करके चले, तो काफ़ी अच्छा ईयर है आप लोगों के लिए। वृश्चिक लग्न, और आपके जो लॉर्ड हैं असेंडेंट राशि लॉर्ड जो है वो है शुक्रदेव। और शुक्रदेव काफी फ्लक्चुएटिंग और काफी क्विक मूविंग प्लैनेट होते हैं, और अगर देखा जाए तो ये साल जब शुरू होगा तब आपको अपने लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी उस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कुछ कैलकुलेशंस आ रहे हैं जिसमें लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में
हाथ हो सकता है। शनि देव है एक्वेरियस में यानी कुंभ राशि में और ये है आपका एम्प्लॉयमेंट वाला खाना यानी आपके सोशल स्टेटस, आपके वर्क लाइफ। तो जब शनि देव जाते हैं 10th हाउस में तो ये तो बहुत ही अच्छा गोचर है आपके लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो शनि देव शुक्र देव के मित्र है, अभिन्न मित्र है। देखे तो अगर आपकी कुंडली में ये अलाउड है, अगर शनि देव का पोजीशन स्ट्रॉन्ग है आपके कुंडली में, तो फिर देखा जाए कि शनि देव जब आपके 10th हाउस में बैठेंगे तो उनकी दो दृष्टियां होती हैं प्रोमिनेंटली, तीन दृष्टियां अगर आप 7th दृष्टि भी लें, मगर शनि के 3 और 10वीं दृष्टि से वो मंगल के 2 राशि को देखेंगे। तो इसमें काफी उथल पुथल हो सकता है आपके लाइफ में, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाइसेस जो मीन राशि है उसमें राहु का गोचर हुआ है और आपके लिए वो है अपना लाभ वाला स्थान। और जब राहु मीन राशि में आए तो वो राशिगत गुरु चांडाल बना रहे हैं, तो इससे लाभ वाले खाने में तो जरूर कोई फ्लक्चुएशन आ सकते हैं और शनि के दृष्टि से भी आपका कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशंस लाइफ पे आ सकता है, स्पेशली स्पाउस रिलेटेड। अगर देखें तो स्पाउस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। आपको अपने हेल्थ के बारे में काफी सतर्क होना पड़ेगा, क्या खाते हैं, क्या डाइट, और ऐसा भी हो सकता है कि 2024 में ऐसे स्टेजेस आए, स्पेशली जब वीनस उच्च का या नीच का होगा। तो वीनस उच्च का कहाँ पे होता है? मीन राशि में होता है और नीच का कन्या राशि में होते हैं। तो जब वीनस यानी शुक्रदेव फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे तब आपके लाइफ में काफ़ी उथल पुथल होगा, यानी कि हार्मोनल फ्लक्चुएशन, थायराइड, ऐसे चीज़ हो सकते हैं। तो केयरफुल रहे और मीठा ज़्यादा मत खाइए। और शनि की दृष्टि क्योंकि आपकी वो 12th हाउस में है तो टाइम टू टाइम एक्सपेंडिचर्स तो काफ़ी होंगे आपके राशि के लिए। टॉरस के लिए ये 2024 मैं बोलूँगी कि सॉलिड ईयर है सेविंग्स के लिए। सिर्फ कैलकुलेशंस करके मैंने देखा है कि ये 2024 सेविंग्स के लिए बहुत ही पावरफुल ईयर है। हाँ, खर्चे होंगे मगर कमाई भी होगी और आप देखेंगे कि ये जो पैसा आप कमा रहे हैं अल्टीमेटली उसको आप सेव कर पाएंगे। देखिए आप लोग हैं टॉरस, वो आपको लग्जरी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आपको लग्जरी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आपको बेस्ट कार चाहिए, बेस्ट फ्लैट चाहिए, बेस्ट बेड चाहिए, तो ये सब में आप कुछ बैलेंस लाइए। बैलेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और अगर कोई डिसीशन आप लेते हैं तो डेफिनेटली उसे एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि एक्शन के बिना अगर आप सोचेंगे कि हाँ मैं ये मैनिफेस्ट करूँगी कि करूँगा तो नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। रेमेडी आप लोगों के लिए बेस्ट होगा कि अगर आप एक ही कोई देवता का पूजा करें। जितना ही खराब समय हो आप केवल इतना याद रखें कि आपके जो लॉर्ड हैं शुक्रदेव उनके पास है संजीवनी विद्या, और संजीवनी विद्या से क्या होता है कि मृत को भी जीवित कर दिया जाता है। तो आप जितने भी बुरे सिचुएशन में फंस गए हैं और आपको कोई भी वे आउट नहीं लग रहा है, आप केवल अपने लॉर्ड जो हैं शुक्रदेव को पकड़े और उनका आप बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, आप मुद्रा लगा सकते हैं, बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। आपके जो लॉर्ड हैं वो है बुध, और बुध महाराज अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग हैं, और बुध ऐसे एक प्लैनेट है अगर आप बुध का साधना करते हैं तो सब प्लैनेट्स जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। एक ही प्लैनेट बैलेंस नहीं होता, जिसे बुध महाराज अपनी एकदम एनिमी मानते हैं, नंबर 1 एनिमी वो है चंद्रमा। तो आप जेमिनी या मिथुन राशि वाले, आप बुध महाराज को पकड़े और उनके जो रेमेडीज़ हैं
वो अगर आप ठीक ठाक से कर सकते हैं तो आपके लाइफ में काफी परिवर्तन आएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो शरीक अक्वेरियस में आए हैं जो आपके नाइन्थ हाउस हैं, और नाइन्थ हाउस को अगर देखा जाए ये आपका भाग्य स्थान है, और भाग्य स्थान में बहुत सॉलिड एक योग आया है जो शनि देव आपको बहुत पावरफुल लक देंगे। और अगर देखा जाए तो ये जो चेंजेस ला रहे हैं शनि अपने ही राशि में बैठ के आपके नाइन्थ हाउस में, उनकी दो दृष्टि थर्ड और टेंथ दृष्टि से वो मंगल की दो राशि को देख रहे हैं, और आपके लिए ये काफ़ी एक एनर्जेटिक वाइब है और आप आगे बढ़ सकते हैं। विदेश जाने का बहुत ही प्रबल संयम होगा, आप जा सकते हैं और अपने बच्चों को भी भेज सकते हैं। अगर आपके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं जो फर्दर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो ऐसा समय आएगा 2024 में जब आप अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं। जैसे ही ये साल शुरू होगा बुध महाराज वक्री चाल में चलेंगे, फिर उसके बाद सीधे चाल में चलेंगे, और ये समय आपको काफ़ी क्लैरिटी दे जाएगा कि आप कैसे ये 2024 को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को एक पेपर और पेन लेके अपना जो एजेंडा है, एजेंडा काफ़ी डार्क वर्ड लगता है, बट आपका जो प्लान है 2024 के लिए उसे आप जॉट डाउन कर लीजिए। अभी लार्जर स्कोप में 2024 है, बट पर मंथ आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपको ऑप्टिमाइज करनी है ये एनर्जी तो पर मंथ आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, और वो लिस्ट आपको टिक करना पड़ेगा वन बाय वन बाय वन, और अगर कुछ भी छूट जाता है उससे, वो लिस्ट से, तो यू हैव टू कम बैक और उसको रिविजिट करना पड़ेगा कि हाँ क्यों ये छूट गया, क्यों मैंने ये टास्क, क्यों मैंने ये नहीं कम्प्लीट किया। और ऐसा भी योग है कि भाग्य से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इनहेरिटेंस से पैसा मिल सकता है, और कुछ कुछ ऐसे युतिज हैं जिसमें आपको लॉटरी सट्टा ये सब चीज़ों से भी पैसा मिलेगा, और मगर वो भी बहुत केयरफुल कैलकुलेशंस के साथ ही आप आगे बढ़े, आप एनालिसिस को समझते हैं, क्योंकि बुध जो है वो एनालिसिस के देवता हैं। एनालाइज करें और जो भी आपने डिसाइड किया है उसे कंप्लीट करें। ग्रीन, जैसे मैंने कहा कि डाइट भी, अगर ग्रीन्स आप डाइट में भी अगर आप ग्रीन्स ऐड करते हैं जैसे स्पिनेच, केल, कोई भी ग्रीन कलर का साग, तो उससे आपका बहुत बेटर सिचुएशंस होगा। और ऑफ कोर्स अगर पैरट को खाना खिला सकते हैं, जो काफ़ी रेयर है, ग्रीन पैरट को अगर आप खाना खिला सकते हैं तो ज़रूर ये रेमेडी करें, आपके लिए बहुत ही बेटर 2024 जाएगा। तो कर्क राशि आपके लॉर्ड जो है वो है चंद्रमा महाराज, और वो है काफ़ी फ्लक्चुएटिंग। अगर देखा जाए तो सबसे क्विक पेस प्लैनेट है चंद्रमा, और इसीलिए आपके मूड्स जो है, आपका मन का संतुलन जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होता है। इसीलिए कर्क राशि वालों, आपका डेस्टिनी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इमोशंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि चंद्रमा आफ्टर ऑल इमोशंस को भी सिग्निफाई करता है, और कर्क जो है ये राशि खुद फैमिली फाउंडेशंस ये सबको सिग्निफाई करता है, तो फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी सीक्रेट्स हैं, लॉन्ग फैमिली सीक्रेट्स, क्योंकि एट्थ हाउस कहीं ना कहीं अपने फैमिली सीक्रेट्स को भी दर्शाता है, तो यहाँ पे जब शनि देव आते हैं तो काफ़ी कुछ रिवील करके जाते हैं और दंड भी देते हैं। चंद्रमा का जब भी शनि के साथ युति होता है कि दृष्टि होती है चंद्रमा का, कि शनि का दृष्टि पड़ता है चंद्रमा के साइन में, तब काफ़ी फ्लक्चुएटिंग हो जाते हैं कर्क लग्न वाले। तो इसी समय में आपको
अपने आप को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखें तो आपका सेवेंथ हाउस क्या है, मकर राशि, और ये भी रूल्ड बाय शनिदेव। प्लैनेट्स में हर टाइम पटती नहीं है एक दूसरे में, जैसे चंद्रमा महाराज और शनिदेव में पटती नहीं है बिल्कुल। ये जो चंद्रमा का बहुत एक फ्लक्चुएटिंग नेचर है, ये शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए अगर चंद्रमा कहीं भी, और चंद्रमा है आपके असेंडेंट लॉर्ड, अगर चंद्रमा पीड़ित होते हैं आपके कुंडली में, तो ज़रूर आप देखेंगे और शनि से दृष्टित हैं कि शनि महाराज के साथ युति बनाए हैं, तो आप देखेंगे कि स्पाउस आपका बहुत फ्लक्चुएटिंग टाइप का हो जाता है, बहुत कोल्ड, कैलकुलेटेड, एक आपका शादी जी एक ट्रांजैक्शन बन जाता है। तो ये चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। शनि महाराज आपको दे जाएंगे, तगड़ा दे जाएंगे, क्योंकि एट हाउस जो है वो इनहेरिटेंस का होता है। तो अगर ऐसा कोई संपत्ति है कि ऐसा कोई मतलब आपको जो प्राप्त होना था अब अगर नहीं हुआ, तो अष्टमेश शनि ज़रूर आपको ये दिलवा के रहेंगे। मगर गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर विधि पूर्वक आप धारण करते हैं तो आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और लग्न के बारे में, तो सिंह लग्न वाले आपके लिए 2024 कैसे जाएगा, काफी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस यहाँ निकल के आते हैं। शनि देव जो है पूरा 2024 आपके सेवेंथ हाउस में रहेंगे। शनि देव सेवेंथ हाउस को रूल करते हैं, आपके मकर और कुंभ को रूल करते हैं, तो सिक्स्थ और सेवेंथ तो मार्केश बनते हैं शनि देव। तो शनि देव का सेवेंथ हाउस में आना, ये केंद्र हाउस होता है जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिग्निफाई हम करते हैं, पार्टनरशिप्स, मैरिज, ओपन एनिमीज भी सेवेंथ हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो इस समय में जब शनि देव आपके सेवेंथ हाउस में बैठे हैं और दृष्टि देते हैं आपके ही लग्न पे, तो ये स्पाउस से तो विवाद ज़रूर हो सकता है आपका, मगर ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे कि आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं आपके जो स्पाउस के साथ, उसे सॉल्व करके एक बेटर फुटिंग पे आए और अपने आप को और अपने स्पाउस को बेटर से समझें। ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर सप्तमेश शनिदेव आपके लिए लाएंगे, और उनकी दृष्टि क्योंकि है आपके लग्न में, और इंटरेस्टिंगली 2024 में जुपिटर की भी दृष्टि आप पे है, तो इसका मतलब कि जब ये दो प्लैनेट्स हो, बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, और जब हम ईयरली कैलकुलेशंस करते हैं तो हम बड़े प्लैनेट्स को लेके ही करते हैं, तो जब जुपिटर की दृष्टि और शनि की दृष्टि आपके लग्न पे होगा, तो ये ईयर तो आप समझे कि काफ़ी काफ़ी चेंजेस लाएंगे आपके लिए। अब कैसे चेंजेस लाएंगे, क्या होगा, ये सब ऑफ कोर्स डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल कुंडली के ऊपर कि शनि का पोजीशन कैसे है और गुरु का पोजीशन कैसा है, तभी आप पूरी तरह से कैलकुलेशंस को समझ पाएंगे। अगर आपका फॉरेन ट्रैवल के वीज़ा बंद हो चुका होगा कि रिजेक्ट हो चुका होगा, तो ये साल तो ज़रूर ऐसे चांसेस बनते हैं कि आपका वीज़ा एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल नाइन्थ हाउस में था गुरु चांडाल, और केतु का गोचर सेकंड हाउस में, ऐसा बोला जाता है कि केतु जब कहीं पे भी जाता है तो वो सब्सट्रैक्ट करता है, तो अर्निंग्स में आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ थोड़ा कमी हो रहा है, मगर आप उस चीज़ से डरे मत, क्योंकि शनि महाराज आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेंगे।
तो कन्या राशि आपके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयर है क्योंकि केतु आए हैं आपके लग्न में और केतु का अपने आपके लग्न में आने से काफी चेंजेस आप फील करेंगे। एक चीज तो है कि स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म, तंत्र मंत्र यंत्र, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजों में आपका इंटरेस्ट काफी बढ़ेगा। आपके सेकंड हाउस के रूलर होते हैं शुक्रदेव और शुक्रदेव बनते हैं तगड़ा मार्केश आपके लिए। शनि आपके जो असेंडेंट रूलर हैं, लॉर्ड हैं, शनि देव के बहुत अभिन्न मित्र हैं, तो उनके साथ उनका बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं अच्छा रिलेशनशिप है उनका। हाँ, तो अब हम बात करेंगे शनि महाराज की जो आपके असेंडेंट लॉर्ड के अभिन्न मित्र हैं, तो वो आए हैं आपके सिक्स हाउस में। अब ये सिक्स हाउस जो है ये आपके हेल्थ को दर्शाता है, आपके हिडन एनिमीज को दर्शाता है, एक्सरसाइज, डाइट, ये सब चीजों को दर्शाता है कि आपके जो डेली काम है, जो डेली वर्क लाइफ है वो भी दर्शाता है। तो डेफिनेटली शनिदेव आपके सिक्स हाउस को सपोर्ट देंगे और अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ एक्सरसाइज रिजीम शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे और अगर कुछ वेट लॉस चाहते थे वो भी होगा। डे टू डे एक्टिविटीज में अगर आपका कोई डिसिप्लिन नहीं था तो जरूर शनिदेव आपको डिसिप्लिन ला के देंगे कि हाँ आप ये टाइम से ये टाइम में इतना कुछ अचीव कर सकते हैं। 2024 एक ऐसा ही समय है और मैं आपको एक बात बताऊं कि कन्या राशि आपके लिए ये समय काफी अद्भुत होगा। मिक्स बैग तो होगा, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, बट ये केतु इन द फर्स्ट जो है ये बहुत बहुत कुछ दर्शाता है। आईज को लेके केयरफुल रहे कि कोई भी आई प्रॉब्लम, आई डिजीज हो सकता है आपको, और अगर स्पेशली जिनके लिए केतु का अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रहा है उनके लिए हेल्थ और ऐसे सिचुएशन से दूर रहे जहाँ आपको स्वयं घात हो सकता है। बहुत लॉजिकल हैं आप लोग मगर कभी कभी लॉजिक से चीजें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि लॉजिक अपने जगह है और एक इंट्यूशन बोल के भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप बिल्कुल मत डरिए, अगर कोई भी चैलेंजेस है, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो आप ये समझिए कि ये लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते ही हैं, मेरे लाइफ में आते हैं, आपके लाइफ में आते हैं, तो ऐसा किसी का लाइफ ही परफेक्ट नहीं है। मगर ज्योतिष आकलन से हमें ये पता चलता है कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारे वीकनेसेस क्या हैं। कैलकुलेशंस हमें एक गहराई तक लेके जाती हैं और अगर हम प्लैनेट्स की भाषा समझ सकते हैं तो हम तारों को छू सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली मेरा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मैं हूँ टीना हियर्स और मेरे साथ बने रहिए अगले एपिसोड तक। थैंक यू।